नवंबर 2 तारीख को, वन सेकेंड बिफोर यू प्ले इट, मैं जी का शो कर रही थी और मुझे कोविड हुआ था, मैं क्वारंटीन में थी और मेरा 7th डे था कोविड का और मुझे डॉक्टर ने बोला था टू गो एंड गेट माई सी टी स्कैन. सो आई फॉलोड ऑल द प्रोटोकॉल्स इन माई सोसाइटी एंड आई वॉज सेंट फॉर सी टी स्कैन. जब मैं वहाँ गई तो मॉम का मुझे फ़ोन आया कि बेटा करण आ गया 6 लोगों के साथ एंड ही जस्ट केम. सो आई एम गोना शो यू अ ग्लिम्स ऑफ द वीडियो. So it is the 2nd of November. I was detected COVID positive on the 28th and I was in quarantine in this room. Karan has just come in. I went out for the CT scan. He doesn't have any permissions to come in the house. He's opening any drawers, any cupboards, taking everything out. Kavish is sitting right here. Doesn't even care. And he's come with all these people. I don't know who these people are. सो ही जस्ट केम इन अनअनाउंस्ड. इसके बाद मैंने कॉप्स को फ़ोन किया था. वी वेंट टू द कॉप स्टेशन. आई सेड अगर इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए थी तो ये मुझे इंसानों की तरह एक मैसेज कर सकते थे कि 2 तारीख को, 4 तारीख को, ट्यूसडे को, 7 बजे, 3 बजे, वट एवर, कि मैं आ जाऊँ. आई वुड हैव सेड ओके. मैं ऑलरेडी अपने लॉयर से पूछ रही थी कि इसका सामान यहाँ पे पड़ा है, यू नो, हाउ डू वी सेंड इट अक्रॉस, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बोल चुका है यूट्यूब पर, तो आई डोंट नो वॉट ही इज़ गोना मेक आउट ऑफ इट, और ही विल प्रॉब्ली थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली और वट एवर, आई डोंट नो. सो आई वॉज बॉदर्ड एंड दिस इज नॉट द वे यू जस्ट कम इन अनअनाउंस्ड. इट वॉज सो इंटिमिडेटिंग क्योंकि आप 6 लोगों के साथ आए हो जो गुंडों की तरह लग रहे थे. एंड यू सॉ दैट मैन, ही वॉज राइट इनसाइड माई वार्डरोब. मतलब वो जो रूम था जो मैंने बोला आई वॉज क्वारंटीन इन दिस रूम, दैट्स अ स्वीट, राइट? सो देर इज अ बेडरूम, देन देर इज अ बाथरूम एंड देन देर इज अ वार्डरोब. ये लोग मेरे क्वारंटीन जोन को पार करके अंदर जा चुके थे. सब जगह जा रहे हैं, सूटकेसेस निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं. काविश वहाँ पर सोफा पर बैठा हुआ है एंड ही वॉज जस्ट शॉक्ड दैट वॉट इज हैपनिंग. और अब मैं उसको थेरेपी सेशंस के लिए ले जा रही हूँ कि नहीं बेटा पापा शूट करें, ना पापा आपसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो रही है. और यहाँ पे पापा आके खड़े हो जाते हैं कोविड के टाइम पे, जहाँ दुनिया में लोग मर रहे हैं, और मेरी मॉम बोल रही है बेटा उसको कोविड हुआ है, वो क्वारंटीन उसका जोन है, वहाँ मत जाओ. यू वांट टू शो माय कोविड रिपोर्ट? एंड मैं छुट्टी लेकर अपने प्रोडक्शन से बैठी थी बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एवरी वन वॉज इन द क्वारंटीन जोन एंड यू नो यू कांट एक्सपोज द एंटायर यूनिट टू इट. सो दिस वॉज ऑन द 28th ऑफ अक्टूबर दैट आई वॉज डिटेक्टेड पॉजिटिव. And this happened on the 2nd of November. So then I called the cops and we went to the police station and then I gave a written complaint. You have that written complaint? Complaint against husband Karan Mehra 2 November ko to the senior inspector for barging in unannounced with strangers at home and misbehaving. तो जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया या बताया दैट इज देयर इन दैट. नाउ एक तरफ मैं देख रही हूँ कि करण मेहरा को मिल रहे हैं सर्टिफिकेट्स ऑन व्हाट हिज योगदान टू कोविड हैज बीन, और दूसरी तरफ आप अपने ही घर में गुंडों की तरह, जब आपकी 16 तारीख को कोर्ट में ऑलरेडी डेट है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है कि आपको कुछ सामान अपने घर से लेना है, तो आप 2 तारीख को ये काम क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट वेटिंग टू गो फॉर द कोर्ट डेट? You can wait, right? Maybe you are in fear that the court might not allow you, so you just want to do this or whatever your reasons are. I don't know, but this is not the way to behave. जो करण ने बीच में इंटरव्यू में नहीं कहा था, बीच में जब मैं काविश को 2 मिनट के लिए मिला था, उसने कहा पापा आई लव यू, आई मिस यू, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो मतलब इसको लेकर ही रहूँगा. ऑब्वियसली ही इज अ चाइल्ड, ही इज गोना टेल यू आई लव यू, आई मिस यू, दैट्स अ गुड थिंग. एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि अगर वो 5 महीने बाद भी आई लव यू आई मिस यू बोल रहा है तो माँ ने उसको फीड नहीं किया है. ऐसा ये प्रोसीजर था इनका. ऑफ कोर्स नहीं डाला है.
ऑफ कोर्स बताइए. अब क्योंकि हमारा केस चल रहा है, दैट्स व्हाई आई हैड टू रिकॉर्ड इट, बिकॉज़ हाउ एल्स वुड आई प्रूव. आई कॉल द कॉप्स, राइट, देन आई हैड टू शो देम द वीडियोस कि वो ये कर रहा था, ऑब्वियसली, बिकॉज़ आई हैव अ केस गोइंग ऑन. आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग. उस टाइम पे तो आप पैनिक कर जाते हो, राइट, बिकॉज एक तो आपको ऑलरेडी कोविड है, यू आर फीलिंग वीक एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सडनली मॉम इज कॉलिंग, वो आ गया 6 लोगों के साथ एंड ऑल. तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? Why do you have to be so intimidating? You can do it in a civilized manner. You don't have to scare people. Nisha, he had also accused in the press conference earlier. He accused कि आपने उनको जब वो कपड़े लेने आए थे तो आपने उनको कपड़े नहीं दिए थे, सिर्फ उनको मैं 4 जोड़ी कपड़े देकर उनके पुराने and you returned. And second, he also accused your mom and जो उन्होंने आपको आपके roommate partner है everybody is together and everybody is stopping him from entering the house and you mean the day he entered this no, day before ye second cheez hai and first thing no, is ki it's not right it's not right aapne unko kapde aur ye sari cheeze di nahi even when he wanted but main kyun nahi se anyway obviously nahi ho gaya you've shown this already see he's taken everything नो आई हैव अ वीडियो ऑफ दैट मैंने वो नहीं अटैच किया देखिए 1 जून को जब ये हुआ था तो करण को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आई थिंक 1 को ही शायद सुबह चाहिए थे या 2 को मुझे याद नहीं है वो उनको दे दिए गए थे हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं उनको ये बात पता है आई डोंट थिंक आई शुड बी टेकिंग हिज नेम बट आई एम श्योर इफ़ ही इज़ वॉचिंग द कॉन्फ्रेंस ही वुड नो उनके हाथों ही ये सामान गया था उनके सारी जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने बोला करण ने कुछ चीज़ें मांगी है उसकी सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी उसकी सारी चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या टी शर्ट्स हो जितना कुछ भी मैं डाल सकती थी जो भी सूटकेसेस मेरे पास थे उसमें मैंने दे दिए उसको उसके बाद मैं कैसे दूँ यही तो मैं बोल रही हूँ आई हैव बीन आस्किंग द लॉयर्स एंड ही शुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट इट एंड ही ऑलरेडी पुट इट इन द कोर्ट जिसकी डेट उसकी 16 को थी एंड 2 को ही केम डूइंग ऑल दीज थिंग्स वाई वुड आई स्टॉप इट इट्स नॉट लाइक आई एम गोना वेयर हिज टी शर्ट्स और व्हाटएवर See, I am a peace-loving person. I want him to live in peace, to have his life, and to leave me alone. Story over. Na mujhe usse kuch chahiye, na usko mujhse kuch chahiye. Hona chahiye. And that's it. You've shown the statement to the cops and all, right? Email bhi bata diya apne. Certificate apne bataya wo wala? That's okay.